आने में थोड़ी सी देर होगी। कोई बात नहीं रंजना देवी, वैसे एक शहरी के नाते मैं आपसे वैसे माफी मांग रही हूँ जिस तरह आप पब्लिक से कई बार मांगी होंगी। चलिए, कुछ तो तब्दीली हुई, वैसे मैं हर तब्दीली को इंकलाब मानता हूँ। एक तो तुमने रितु और सुनील की शादी कैंसिल की और दूसरा तुमने नीतू का केस सुनील से लेकर किसी और वकील को सौंप दिया। शादी मैंने कैंसिल नहीं की, उसके जिम्मेदार सुनील के माँ बाप हैं। किस्मत ने इतने हाथ से लगवा कर लाई हूँ कि जिंदगी ने अपने आप स्ट्रांग बना दिया है। जितने दुख पहले झेले वो मे मतलब नहीं थे, वो मुझे आने वाले दुख को झेलने के लिए तैयार कर रहे। नहीं तो नहीं, इस तरह रोगी तो तुम्हारे इस भाई की बेबसी उस पर हंसेगी, कह कह लगाएगी मत रो। और तुम्हें नीचा दिखाने के मुझे कई मौके मिले लेकिन मैं उन्हें अपने सामने से हटाती गई क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में मायना खो चुके हो। मेरी जिंदगी के मकसद और सपने बदल गए महीन। तुम्हारी जिंदगी का सपना मकसद कुछ भी हो निशी, लेकिन तुम वही पुरानी निशी हो जिसकी नीयत कभी नहीं बदल सकती। मैं तो कहती हूँ तो रोनी के साथ फिर से घर बसा ले। व्हाट? रोनी के साथ? जय नसीब हमारा कि मेरे बारे में इतनी सारी और ऐसी बातें हो रही है। राजीव, ये मिस्टर महीन मल्होत्रा हैं और महीन ये राजीव कोहली हैं। तुम जैसे लोगों से मिलकर बेहद खुशी महसूस होती है मिस्टर राजीव कोहली। जी हाँ, आपके ऑर्डर्स इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, कम इन। गुड आफ्टरनून मिस्टर महीन मल्होत्रा। यहाँ क्यों आई हो? ये जानने के लिए कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। मिस मेधा हेगड़े, आपको नौकरी से निकाला जा रहा नहीं है, निकाला जा चुका है। वजह जान सकती हूँ क्यों? वजह कंपनी ने तुम्हें एक लेटर में लिख दी है, घर जाकर उसे पढ़ लिया होता, यानी कि क्या जरूरत है? उन दो लाइनों की वजह काफी नहीं है मेरे लिए जो आपके टाइपिस्ट ने टाइप करके मुझे भेज दी है। मुझे आपके मुंह से सुनना है। मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम पर बोझ बने हुए हैं, उन्हें निकाल देना जरूरी है। ओ, और कौन कौन बोझ बना है आपकी कंपनी पर और किस किस को निकाला जा रहा है? फिलहाल सिर्फ तुम्हें। और ये कंपनी किसे रखती है किसे निकालती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। एक मतलब तो साफ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपका विनाश नजदीक आ रहा है मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, इसलिए आप उल्टी सीधी हरकतें करते जा रहे हैं, अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। मेधा, चिल्लाइए मत क्योंकि अब मैं आपकी या आपकी कंपनी की मुलाजिम नहीं हूं और वकील होने के नाते ऊंचे सुरों का रियाज मुझे आपसे ज्यादा है। और कोई मुफ्त की सलाह देना मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा तो उसे सलीके से ले लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सलाह तुम जाकर एक नाथ या सुनील को दो, समझी? एक नाथ या सुनील को ना ही सलाह की जरूरत है ना सहारे की। और आपका सहारा कौन है? करण, जिसने आपको बेसहारा बना के रख दिया है और वो आपको तब पता चलेगा जब आप मुंह के बल गिरेंगे। और एक सलाह, बिल्कुल मुफ्त का मशवरा, करण को अपने अंधेपन की लाठी मत बनाइए मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा प्लीज, क्योंकि वो खड्डों से तो बचा देता है लेकिन सीधा जाकर खाई में धकेल देता है। निशी, चुप। पहले बच्चों की तरह झगड़ा किया, अब बच्चों की तरह रो भी रही है। ऐसी बात नहीं है, महीन के और मेरे झगड़े तो हमेशा होते हैं लेकिन तुम्हारे सामने मुझ पर इतने सारे इल्जाम लगाए, मुझे बहुत बुरा लगा। अगर तुम्हारी तौहीन क्यों की उसने,
कमाल है, मेरी तौहीन हुई है और मुझे पता तक नहीं चला। झूठ मत बोलो, तुम्हें बुरा नहीं लगा? रत्ती भर भी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि मैं मिस्टर महन की मानसिक हालत समझ सकता हूँ। वो कितने परेशान हैं तुम भी जानते हो। एक तरफ रितु की शादी का टूट जाना और दूसरी तरफ नीतू के अरेस्ट होने का प्रेशर। ऐसी हालातों में मिस्टर महन की बातों का बुरा मानना मेरी बेवकूफी। प्रेशर तो मुझ पर भी है ना रितु और नीतू का, इसका मतलब ये थोड़ी कि तीसरे आदमी पर अपना गुस्सा उतारो। गुस्सा आमतौर तीसरे आदमी पर ही उतारा जाता है। देखो निशी, एक आदमी जब सुबह अपनी बीबी से झगड़ कर ऑफिस आता है तो खामखा वो दिन ऑफिस के प्यून पे शामत आ जाती है, क्योंकि वो घर का गुस्सा अपने ऑफिस के प्यून पर उतारता है। और जब अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हो तो छोटी छोटी बात गुस्सा दिलाती है। यही मिस्टर महन के साथ हो रहा है। पता नहीं तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया। बर्दाश्त इसलिए कर लिया क्योंकि मैं जानता हूं तुम और मिस्टर महन क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हो। देखो तुम पर उसे जो इल्जाम लगा ये क्या सही था? सब बेमतलब था, ये मैं भी जानता हूं तुम भी जानती हो, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शायद मैं भी चुप नहीं रहता। फिलहाल मेरा कुछ कहना आग में पेट्रोल डालने के बराबर होता। पता नहीं राजीव तुम इतने पेशेंट कैसे हो, मैं तो चुप नहीं बैठ सकती। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शायद तुम चुप रहती, लेकिन जैसे मिस्टर महन वैसे तुम भी अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो। देखो निशी, हालात जब उथल पुथल मचाने से बाज ना आ रहे हो तो अपने पर संयम रखना सबसे मुश्किल लेकिन अहम बात होती है। जैसे जहाज जब हिचकोले खाता है तो अपना बैलेंस कायम रखने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं मैं अपनी जिंदगी पर कभी बैलेंस कायम कर पाऊंगी या नहीं। बिल्कुल कर पाओगी, मुझे यकीन है। और अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना यकीन साबित करके दिखाऊं तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ लोनावला चलो। लोनावला? इस वक्त कैसे जा सकते हैं? इस वक्त जाना ही तुम्हारे लिए न्यायत जरूरी है। अगर तुम इन हालातों से लड़ना चाहती हो तो कुछ एक दिनों के लिए ब्रेक ले लो, और दोबारा जब तुम इन हालातों में वापस आओगी तो नई ताकत और नई संयम के साथ आओगी। अगर तुम अपने आप से हार मान जाओगी तो नीतू रितु यहां तक कि मिस्टर महन मल्होत्रा के लिए मददगार साबित नहीं हो पाओगी, और फिलहाल इन तीनों को तुम्हारी सख्त जरूरत है। हाय सुनील। हाँ भाई, मैं वही सुनील हूं। पर ये क्या, तुम मेरी तरफ अपना कदम क्यों नहीं बढ़ा रही हो? तुम्हारा प्यार तुम तक पहुंच गया और आप नहीं पहुंची। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि इंजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया और डब्बों ने यार्ड से निकलने से ही मना कर दिया। यार तुम मुझे भी रुलाओगी। ये तो देखो, जब मैं रोता हूं ना तो फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। आंसू गाल पे लुढ़कते हैं, फिर चश्मे में आकर ढक जाते हैं, तो चश्मा पोछो, फिर आंखों को पोछो। यार तुम मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रही हो? मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मुझे तुमसे नाराज होना नहीं आता, जैसे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता। तो तुम्हें ये सब सीखने के लिए कह कौन रहा है? ये सबक हमारे मोहब्बत का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। आज वैसे ही जैसे कि मैथ्स की क्लास में मेंढक नहीं काटा जाता। लेकिन ये तमाम सबक भी तो हमारे कोर्स में नहीं थे सुनील। हमारी शादी होने वाली थी, ये सब क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, हमारे रोमांस की उम्र पूरी नहीं हुई है, हमें थोड़ी सी और मोहलत मिल गई है रोमांस करने की, ठीक है? और शादी तो हमारी होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो होना है वो ना हो। आज तक मेरे साथ यही होता रहा है। पर आज अभी आपके साथ सुनील वर्मा है, ठीक है? देखो मैं तुमसे मिल नहीं पाता हूँ आजकल, तो कहीं तुम मुझ पर से अपना भरोसा मत खो बैठना।
तुम्हारे साथ होने का एहसास है तो तुम पर भरोसा भी है। ये तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताने आया था कि वर्कर्स के केस को लेकर मेरी मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के साथ मीटिंग है। थोड़ी सी गर्मा गर्मी या थोड़ी सी छिटाकशी की नौबत आ जाए तो प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है? तुम उनसे जब भी मिलो ये भूल जाना कि वो मेरे पापा हैं। जो गर्मा गर्मी या छिटाकशी हो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के एडवोकेट के बीच हो, फिर वो चाहे जितने भी। ओ, बहुत अच्छी बच्ची है तुम्हारी। ये तो तुम मुझे बार बार गले लगाने के लिए मेरी तारीफ कर रहे हो। अच्छा मैडम, हमारी शादी पोस्टपोन हो गई वरना आज आप मेरे गले पड़ी होती। हाँ, पापा और मम्मी आज गांव जाने वाले हैं, मेरी उनसे बातचीत बंद है तो। सुनील प्लीज, तुम उनसे बातचीत बंद मत करो प्लीज। ये तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची। हाँ अच्छी बच्ची। बात क्या है, आज बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। ऑफिस आराम करने नहीं जाता, काम करने जाता हूँ काम। जाहिर है आदमी जब घर लौटेगा तो थका होगा। तुम्हें तो लगता है अब मेरा प्यार भी आरोप सा नजर आने लगा। क्या कर रही हो, उतार लूंगा अपने आप, हाथ है मेरे, अपाहिज नहीं हूं। अब नाराज होकर वहां खड़ी होगी। देखो शीला, मुझ में अब ताकत नहीं है तुम्हें मनाने की, समझी? बोलती क्यों बंद होगी, बात करो ना। बात तो मैं तुमसे तब करूं जब मुझे अपने पहले वाला महेंद्र नजर आए तुम्हें। जाओ देखो कौन है। आरोपी मिस नीतू मल्होत्रा, बताइए आपकी उम्र क्या है? 20 प्लस। ये देखिए, ये प्लस माइनस वाली भाषा किसी गणित की क्लास में जाके करिए। मेरे साथ सही सही जवाब दीजिए, आपकी उम्र क्या है? 20 साल 7 महीने 14 दिन और 4 घंटे। हाँ ठीक है, अभी आपकी बड़ी बहन क्या, उसका नाम रितु, उसकी उम्र बताइए? 22 साल 11 महीने 6 दिन और तकरीबन 3 घंटे। अच्छा, मतलब 22 साल 11 महीने 6 दिन और तकरीबन कुछ घंटे वाली बहन के चरित्र का खुलासा कीजिए आप। क्या जानना चाहते हैं, कैसा खुलासा? देखो खुलासा तो सिर्फ उन बातों का ही किया जाता है जिन्हें छुपाया जाता है, और हमने ये सुना है कि अक्सर दो बहनें अपने अपने राज और अपनी बच्चनी के किस्से एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं। मेरी बहन के ऐसे कोई राज नहीं, वो एक बहुत ही शरीफ और अच्छी लड़की है। अच्छा, तो क्या बहुत ही शरीफ और अच्छी लड़की इस कदर बर्ताव करती है जिस कदर आपकी बहन ने उस एमएलए के साथ बर्ताव किया? उस एमएलए ने मेरी बहन को फंसाया था। फंसाया तो मासूम लोगों को जाता है। मेरी बहन मासूम है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मिस्टर महन मल्होत्रा जैसे नामी गिरामी और बदनाम हस्ती की साहेबजादी मासूम हो सकती है, जबकि बचपन में उन्हें घर पे ही पाप का ट्रेनिंग मिल चुका हो। आप हद से बाहर जा रहे हैं। आपके खानदान की बात हद में रहकर तो की नहीं जा सकती। तो फिर आप ऐसी बातें मत करिए। बातें तो होंगी, बातें तो होंगी, बात से बात निकलेगी। अरे ये तो कोर्ट की खासियत है, जबकि आपका मुकदमा शुरू हो जाएगा ना तो हर चीज को इस तरह उधेड़ दिया जाएगा कि उसे उस तरह बुना भी नहीं होगा, समझिए? मान लो अगर आपने किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया तो पता है क्या होगा, ये प्रोसिक्यूशन वाले आपके पीछे इस कदर पड़ जाएंगे कि आपके हर जवाब के तय तक वो पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरी बात सुनिए, आपसे पूछे गए हर एक वाक्य वाले सवाल का 2 वाक्य में जवाब दीजिए, वरना होगा क्या, आप जिंदगी भर इन सवालों के भंवर में फंसी रहेंगी और पूरी जिंदगी कटघरे में खड़े रहकर सिर्फ जवाब ही देती रहेंगी, समझिए? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बताइए आपने उस एमएलए का खून क्यों किया? मैं अपनी बहन को उस एमएलए से छुटकारा दिलवाना चाहती थी। क्या सबूत है आपके पास कि आपके बहन को उस हैवान से छुटकारा चाहिए था? क्या मतलब है आपका? हो सकता है आपका भी उस एमएलए पे दिला गया हो। किसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप।
आप अपने आप को अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत समझती थी, और जब आपको पता चला कि इतना सब होने के बावजूद बंदा उसी से प्यार करता है तो आपको जलन। मैं कहती हूँ बंद कीजिए ऐसी बेसर पैर की बकवास। हाँ, और इसी जलन की चपेट में आकर आपने उस आदमी का खून कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि वो उससे आपकी बहन से शादी करने वाला है। इस कदर बातें होती हैं कोर्ट में, हो सकता है इससे ज्यादा भी दबाव आपको डाल दिया जाए, तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है कि आप अपना दिमागी संतुलन जो है वो खो चुकी है। आई डोंट थिंक के आप कटघरे में खड़े रहने के लायक हैं। अब पता नहीं आप अपने बाप का कितना सारा पैसा इस तरह उड़ाएंगे। लेकिन कोर्ट में उसका नाम है, इज्जत है, रुतबा है, एंड दिस इज व्हाट इट मैटर्स। ये गलतफहमी आपके दिमाग में किसने भर दी कि कोर्ट के अंदर उसका नाम है, रुतबा है, इज्जत है? देखो ऋषभ, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र नहीं है जो अपने दिमाग में मैं गलतफहमियों को जन्म दूं, समझे? तुम अपना दिमाग ज्यादा ना खर्च करो तो बेहतर होगा। मैं अपने दिमाग से तैयारियां कर रहा हूं। मैं तो यह कहूंगा कि दो दिमागों की जगह अगर एक दिमाग से काम किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन कहीं अगर वो एक दिमाग आपका रहा ना चाचा जी, तो बनता हुआ केस बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आप देख कर मक्खी निकल रहे हैं, लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल एहसास नहीं है। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, अगर तुम मुझे रोकना भी चाहोगे तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये मेरी बेटी नीतू के केस का सवाल है जिसे मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहूंगा, समझे? मिस्टर महेन मल्होत्रा, आपकी वो बेटी मेरी बहन भी लगती है, और अगर कहीं नीतू की जिंदगी पर जरा सी खरोच भी आई तो आपका यह गुरूर तोड़ दिया जाएगा। सुनील वर्मा को हटा के केस एडवोकेट खिलानी को सौंप दिया गया, अगर ये बात कोई सुनेगा तो ताज्जुब करेगा आप पर। क्या लिया तुमने जो कहना था? क्या लिया ना? अब जाओ, मेरा गुरूर तोड़ने आया है, अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है। तो मेरी भी एक बात समझ लीजिए, अगर नीतू ये केस हार गई तो क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे मेरा, बोलो? अगर मुंह से बोल दिया तो बदतमीजी कहलाएगी, वक्त आने पर करके दिखा दूंगा, समझे? हाँ, एक बात और मिस्टर महेन मल्होत्रा, नीतू के पिताजी, इस बार नीतू जेल गई है तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि देविका, जिसके दिल में आपके खिलाफ सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं, उसी ने पुलिस वालों को इत्तला दे दी। बचपन में एक जुमला सुना था कि मां बाप के पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, आज पहली बार अपनी आंखों से देख लिया। छोटा